Hi, this is Anshit Patak from Green Amigos and welcome to a new session of Do You Have a Minute? पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि हमारे घर से जब भी वेस्ट निकलता है उसे सेग्रीगेशन करने के बाद हम लैंडफिल में पहुंचा देते हैं। तो लैंडफिल होता क्या है? लैंडफिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़ी सी लैंड में हम गड्ढा खोदते हैं और उसके नीचे सीमेंट या नॉन परमिएबल क्ले से कोटिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर से वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं जो भी हमें डंप करना है, और उसके बाद उस पर मड या सॉइल डाल देते हैं। और जो इस तरह के लैंडफिल्स हैं कोटिंग वाले, उनको हम सैनिटरी लैंडफिल्स भी बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि जब भी हम जो भी वेस्ट है वो उसको हम डंप करते हैं लैंडफिल में, तो उसका केमिकल ब्रेकडाउन होता है। तो जब वो ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से कुछ तरल पदार्थ निकलता है। तरल पदार्थ को हम लीचेट भी कहते हैं। तो जो ये लीचेट होता है, तो ये नीचे सीपेज के थ्रू सॉइल में और फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है। ग्राउंड वाटर टेबल से ही हमारा पीने वाला पानी आता है। और जब ये कंटैमिनेंट्स पानी में मिल जाते हैं तो अलग अलग तरह के डिजीज़ भी फैलते हैं। ज़्यादातर जो भी लैंडफिल्स इंडिया में हैं वो सैनिटरी लैंडफिल्स नहीं हैं। और करेंटली इस समय 68.8 मिलियन टन्स पर ईयर हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, और ये अनुमानित है कि 2047 तक 260 मिलियन टन तक हम हर साल वेस्ट जनरेट करेंगे। तो ये जो लैंडफिल का सल्यूशन है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जितना भी हम उसमें पुट करते जाएंगे, और इंडिया में ऐसा है कि जो लैंडफिल की सिचुएशन है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो उसे इंसेंटिवाइज कर चुकी हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो जैसे नगर निगम हो गई, ये सारी बॉडीज़ क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ को इंसेंटिव देती हैं। वो जितना ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा करेंगी और जितना ज़्यादा लैंडफिल में डालेंगी उसके लिए उन्हें उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा लैंडफिल्स में जगह भरती जा रही है। वैसे भी हमारे यहाँ सस्टेनेबल लैंडफिल नहीं है और उसमें जगह भरती जा रही है, उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस और पोल्यूशन फैलता है उसकी वजह से। और मीथेन गैस का जनरेशन तो होता ही है उसमें, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है, ग्रीन हाउस गैस भी मानते हैं उसे। ये जो 260 मिलियन टन्स जनरेट होने का अनुमान लगाया गया है 2047 तक, उसको डंप करने के लिए हमें लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए होगी। अगर हम मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई को कंबाइंड कर दें तब जाके इतनी बड़ी जगह बनती है। इसका सिर्फ यही सल्यूशन है कि हमें ज़ीरो लैंडफिल फ्यूचर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कुछ रूल्स इशू किए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें ये कहा गया था लैंडफिल में सिर्फ इनर्ट वेस्ट जाएगा। इनर्ट वेस्ट मतलब जो नॉन रिएक्टिव है, नॉन कम्बस्टिबल हो, नॉन रिसाइक्लेबल हो और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, सिर्फ इसी तरह का वेस्ट हम लैंडफिल में डाल सकते हैं। दूसरा रूल है सेग्रीगेशन एट सोर्स। ग्रीन अमीगोस इसी मोटिव को लेके काम करता है। अगर हम आज से अपने घर से वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे तो जो रिजल्टेंट लैंडफिल में वेस्ट जा रहा है वो रिड्यूस अपने यहाँ पर हो जाएगा।